हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यालय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से विद्यालय प्रबंधन का अर्थ आवश्यकता तथा महत्व से विद्यालय प्रबंध के तत्व से संबंधित चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट इसका पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रशासन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित की जा सके। प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन, संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना आदि होते हैं। शिक्षा और शैक्षिक पद्धतियां, शैक्षिक प्रबंध और प्रशासन, शैक्षिक अनुसंधान भी शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन पर प्रभाव डालते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा, लाभ के लिए हो अथवा गैर लाभ वाला, सेवा प्रदान करना हो अथवा निर्माणकर्ता, प्रबंधन सभी के लिए आवश्यक है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। प्रबंधन में पारस्परिक रूप से संबंधित वह कार्य सम्मिलित है जिन्हें सभी प्रबंधक करते हैं। प्रबंधक अलग अलग कार्यों पर भिन्न समय लगाते हैं। संगठन के उच्च स्तर पर बैठे प्रबंधक नियोजन एवं संगठन पर नीचे स्तर के प्रबंधकों की तुलना में अधिक समय लगाते हैं। अगला पॉइंट है आपका शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। हेनरी फियोन के शब्दों में पूर्व अनुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंधन है। क्रीटनर के अनुसार प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशल पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर तथा उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। हार्ट्स विश्व तथा रत्नक के शब्दों में शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। आपका अगला पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला पॉइंट, शैक्षिक प्रशासन की एक मानव प्रक्रिया है। अगला पॉइंट, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव गतिशील होता है। अगला पॉइंट, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप दोनों केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण रूप में होता है। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कार्यशीलता
नियंत्रित होती है। अगला पॉइंट, नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में सभी व्यक्तियों का सहयोग लेना है। शैक्षिक कार्यकर्ताओं का व्यवसायिक विकास करना। अगला पॉइंट व्यवहारिकता होता है। शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता पर आधारित होती है। अगला पॉइंट शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति का लक्ष्य विद्यालय के कार्य शैली में सुधार तथा विकास लाना है। पॉइंट है आपका शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र इस प्रकार समन्वय तथा नियंत्रण करना है। साधनों का उपयोग करना, शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा को परिभाषित करना, समाज के लक्ष्यों की पहचान करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। अगला पॉइंट मूल्यांकन। क्या मूल्यांकन? मूल्यांकन शैक्षिक प्रशासन उपलब्धि के रूप में अपने क्रियाकलापों तथा परिणामों का मूल्यांकन करता है। वह इस बात का पता लगाता है कि शिक्षा कार्यक्रम किस सीमा तक सफल है और भावी प्रगति के लिए उनमें क्या सुधार किए जाने आवश्यक है। प्रशासन प्रक्रिया को पृष्ठ पोषण मिलता है। पॉइंट है शिक्षा निर्देशन का पर्यवेक्षण। इसी चीज का निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना याद है इसको। विद्यालय में कोई कार्यक्रम उसका पर्यवेक्षण किया जाए, निरीक्षण किया जाए, जहां बताते हैं उनकी प्रथा, विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षक, अन्य कर्मचारी से लोग सम्मिलित रहते हैं। शिक्षा निर्देशन व परिवेशन पर्यवेक्षण, शिक्षा निर्देशन या पर्यवेक्षण किसी संस्था के चौमुखी दिशाओं की को ध्यान में पूर्वक अवलोकन करना तथा विकास के लिए सुझाव देना ही पर्यवेक्षण कहा जाता है। एक बार इस पर पर्यवेक्षण के विषय फिर जान लीजिए। शिक्षक किसी संस्था के चौमुखी दिशाओं को ध्यान पूर्वक अवलोकन करना तथा विकास के लिए सुझाव देना ही पर्यवेक्षण कहा जाता है। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरे के कार्यों का अवलोकन करके उन्हें कुछ निर्देशन भी प्रदान करना है, उचित निर्देशन भी प्रदान करना है। जान के वर्टकी के शब्दों में उत्तम पर्यवेक्षण का सदैव शिक्षकों के विकास, छात्रों की उन्नति तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
सुधार से संबंध होता है। ऐसे पर्यवेक्षण जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक प्राचार्य एवं छात्र तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। शिक्षकों की उत्तम विधि पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला की सुविधा, क्रीड़ा क्षेत्र की सुव्यवस्था, प्राचार्य का निरीक्षण आदि सभी कार्यों का उद्देश्य शिक्षण संस्था में पढ़ने वाले छात्रों की सर्वांगीण उन्नति में सहायता करना होता है। प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षा अधिकारी जब अपने सुझावों द्वारा शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि का स्तर उन्नत करने के लिए करते हैं तब ये पर्यवेक्षण की भूमिका निभाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा संगठन के प्राथमिक स्कूल के प्राचार्यों ने शैक्षिक पर्यवेक्षण के अर्थ निम्न प्रकार से स्पष्ट किए। पहला पॉइंट है शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों के शिक्षण में सुधार, छात्रों को समझाने, शिक्षण सामग्री का विकास करने में सहायक होता है। इसके द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार तथा निर्माण के लिए शोध पर बल दिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षा की कुशलता तथा छात्रों की आवश्यकता के ज्ञान के लिए सीखने की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षकों के व्यवसाय, नैतिक एवं सहायता प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है शिक्षा परीक्षण की परिभाषा। परीक्षण की परिभाषा शिक्षा परीक्षण की परिभाषा एडम्स तथा डिस्के के शब्दों में शैक्षिक परीक्षण शिक्षा को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। डब्लू किम्बाल के शब्दों में परीक्षण एक अच्छे शिक्षक एवं सीखने की परिस्थितियों के विकास में सहायक होता है। फ्रेडसी आयर के शब्दों में परीक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठता तथा ऋणात्मक गत्यात्मक है। यह अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए है कि क्योंकि यह सर्वाधिक सृजनात्मक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा शिक्षा परिषद क्या कहा गया माध्यमिक
माध्यमिक शिक्षा आयोग शैक्षिक पर्यवेक्षण ऐसी विशिष्ट सेवा है जो शिक्षकों को कार्य कुशलता तथा व्यवसायिक नेतृत्व प्रदान करती है। पाठ्यक्रम में सुधार करके शिक्षा का स्तर को ऊंचा करती है तथा छात्रों को समाज में उपयुक्त आचरण करने का प्रशिक्षण देती है। शिक्षा पर्यवेक्षण की विशेषताएं शिक्षा पर्यवेक्षण की विशेषताएं शिक्षा पर्यवेक्षण की विशेषताएं आधुनिक पर्यवेक्षण द्वारा छात्रों तथा अध्यापकों के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास किया जा सकता है। आधुनिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं जनतांत्रिक प्रणाली के अनुकूल है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। पहला पॉइंट, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय प्रजातांत्रिक है। अगला पॉइंट, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय एक तकनीकी सेवा है। अगला पॉइंट, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसका उत्तर आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से कॉलेज ग्रुप पर भेजना होगा। विद्यालय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? विद्यालय है, विद्यालय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य समझाइए। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य नेक्स्ट दिन आप भौतिक तथा मानवीय संसाधन पर चर्चा करेंगे।